आप देख रहे हैं NR इंडिया न्यूज पर। हाजीपुर वैशाली से जाहिद वारसी की रिपोर्ट। ग्रीन गेटवे का मास्टरमाइंड कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक डॉक्टर रोशन। वैशाली हाजीपुर पानाहाट के निकट दशरथ पैलेस में रविवार को बच्चों के लिए चलाए जा रहे ब्रेन गेटवे का मास्टरमाइंड कार्यक्रम पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पूर्व विधायिका प्रेमा चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश चौरसिया एवं देव कुमार चौरसिया ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महुआ के विधायक मुकेश रोशन, फातेपुर के विधायक लखिंद्र पासवान उपस्थित थे। उपस्थित बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए विधायक श्री रोशन ने कहा कि बच्चों के भविष्य बनाने में ब्रेन गेटवे अहम भूमिका निभा रही है। इसका कोर्स करने से बच्चों का याददाश्त काफी मजबूत हो जाता है। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, जिससे पढ़ाई में उसका मन लगा रहे। वही विधायक श्री पासवान ने कहा कि यह बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने बच्चों का स्टडी मापने का जो टेक्नोलॉजी है वह बहुत ही बढ़िया है। आज के युग में केवल अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, अपनी मातृभाषा का भी अच्छी ज्ञान होना चाहिए। जब हमारे राज्य के बच्चे जब IPS या IAS बनते हैं, तो सबसे अधिक खुशी उस क्षेत्र के विधायक को होता। आज के विकसित बिहार में यह पद्धति काफी अच्छी है। इसके कोर्स किए बच्चों में याददाश्त की क्षमता काफी अच्छी दिख रहा है। बच्चों ने उपस्थित लोगों के बीच अपनी याददाश्त से जुड़ा प्रतिभा को दिखाया। कार्यक्रम में ब्रेन गेटवे के अध्यक्ष सरोज कुमार गिरी, डॉक्टर MK सिंह, प्रोफेसर राजमणि, संजीव कुमार, राकेश कुमार, मधुअंजलि, आनंद कुमार, मनोज कुमार, राजमणि, नीरज सिंह, अरविंद शरण, संजीव कुमार सिंह, अजित कुमार सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उनके अभिभावक उपस्थित थे। और हम सब लक्की हैं। सबसे पहले माला से स्वागत करेंगे हम सब, और फिर उसके बाद हम बुक के लेकर सवाल करेंगे।